अब सलीम इंजीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद आप अपना मैसेज हमें दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्यंत दयावान एवं कृपाशील ईश्वर के नाम से उस ईश्वर के नाम से जो सारी सृष्टि का अकेला रचयिता है हम सबका पैदा करने वाला और पालने वाला है प्रशंसा उसी के लिए है जो सर्वव्यापी है सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है अत्यंत दयावान और कृपाशील है वह हमसे बहुत निकट है हमारी बातें सुनता है जवाब देता है हमारे दिल और दिमाग में उठने वाले विचारों को अच्छी तरह जानता है यहाँ तक कि हमारे इरादों हमारी नियतों और हमारे इंटेंशंस को भी वो अच्छी तरह पहचानता है मेरा विश्वास है कि एक दिन हम सबको उसी मालिक के सामने खड़ा होना है और अपने पूरे जीवन का उसकी हर हर कृपा और आशीर्वाद का और उस हमारे एक एक कर्म का हिसाब देना है ईश्वर की विशेष कृपा और शांति हो उन तमाम ईश दूतों, संदेशताओं और पैगंबरों पर जो ईश्वर के आगे संपूर्ण समर्पण का संदेश और मार्गदर्शन लेकर इस धरती पर भेजे गए परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया आज के इस अति सुंदर और गरिमामय कार्यक्रम के आयोजक प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी बहनों एवं भाइयों मंच पर उपस्थित आदरणीय धर्म गुरुओं सभागार में मौजूद बहनों एवं भाइयों राष्ट्रपति भवन के अधिकारी गणों आप सभी को मेरा सलाम व आदाब आप सब पर ईश्वर की विशेष कृपा और आशीर्वाद हो आज के सुंदर कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर मैं अत्यंत खुशी और गर्व महसूस करते हुए ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ इस सच्चाई को सब धर्मों और आस्थाओं के लोग स्वीकार करते हैं कि धरती पर जितने इंसान मौजूद हैं वे सब एक ही माँ बाप की संतान हैं यानी आदम और होवा की संतान हैं हम सब की रगों में एक ही माँ बाप का खून बह रहा है ईश्वर के सभी पैगंबरों ने और अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईश्वर के इस संदेश को आम किया कि तमाम इंसान बराबर हैं कोई बड़ा और कोई छोटा कोई ऊँचा और कोई नीचा नहीं है हर इंसान की इज्जत और उसका सम्मान होना चाहिए हर मानव की गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए धर्म जाति लिंग भाषा क्षेत्र या विचारधारा किसी भी आधार पर किसी के अधिकार कम या ज्यादा नहीं हो सकते किसी के साथ भी भेदभाव न हो यह समाज को और व्यवस्था को मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया अल अलको अयाल्लाह यानी यह सारी सृष्टि और यह सारे प्राणी ईश्वर का एक परिवार और कुनबा और खानदान है इसी तरह कहा गया वसुधे व कुटुम्बकम यह हमारे देश की सांस्कृतिक बुनियाद को बयान करने वाला वाक्य है मानवीय सृष्टि में ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति है वह इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है हमारा भारतीय समाज विविधताओं वाला समाज है हमारे देश की बड़ी आबादी किसी न किसी धर्म या विचारधारा एवं जीवन व्यवस्था में विश्वास करती है हमारे संविधान में यह सुनिश्चित किया गया है कि हर नागरिक अपनी पसंद का धर्म आस्था या विचारधारा अपनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो धर्म इंसानों को आपस में जोड़ता है इंसानों को बांटने वाला उनको नीचा और ऊंचा बनाने वाला धर्म हो ही नहीं सकता समाज में घृणा हिंसा और लोगों के बीच अविश्वास सच्चे धार्मिक लोगों की वजह से नहीं है बल्कि धर्म का दुरुपयोग करने वाले कुछ स्वार्थी एवं समाज विरोधी लोगों की वजह से है मैं इस्लाम धर्म में विश्वास करता हूँ और यहाँ उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस्लाम शब्द का अर्थ है ईश्वर के आगे संपूर्ण समर्पण इसका एक अर्थ शांति है क्योंकि अपने श्रष्टा के आगे समर्पण से ही इंसान के मन में और इस धरती पर न्याय और शांति की स्थापना हो सकती है न्याय की स्थापना ही वास्तव में धर्म की स्थापना है और यही शांति की स्थापना की असल बुनियाद है धर्म हमको अपने श्रष्टा का परिचय कराता है हमें उससे जोड़ता है सच्चा धार्मिक व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है इंसानों से प्रेम करता है उसका सम्मान करता है और उनकी सेवा करता है धर्म व्यक्ति को अनुशासित करता है धर्म हमको इस बात की शिक्षा देता है कि हम अन्याय और अत्याचार से पीड़ित और कमजोर लोगों चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हों उनके साथ खड़े हों उनकी मदद और सेवा के लिए आगे आए उनको समाज में सम्मान दिलाने का प्रयास करें आज इस बात की आवश्यकता है कि विभिन्न धर्मावलंबियों में और धर्म गुरुओं में मेल जोल बढ़ना चाहिए उनके बीच संवाद मजबूत हो समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए हम सब धर्मगुरुओं को मिलकर प्रयास करना चाहिए हम सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को इस महत्वपूर्ण काम में पहल करके साथ मिलकर समाज में जागृति लाने आपसी सद्भाव और विश्वास को मजबूत करने का यह पवित्र कार्य करना चाहिए और हम लोग ये कार्य कर भी रहे हैं लेकिन इस कार्य को और अधिक सक्रियता से करने की आवश्यकता है मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह हम सबको देश और समाज के प्रति अपना दायित्व पूरा करने की प्रेरणा और शक्ति प्रदान करे ताकि हम सब मिलकर शांति पर आधारित और नैतिक मूल्यों पर आधारित और न्याय पर आधारित एक समाज का निर्माण कर सकें और भारत को प्रगति और समृद्धि की लाहों पर आगे ले जा सकें मैं इसी के साथ ईश्वर की बढ़ाई और प्रशंसा और महामहिम राष्ट्रपति महोदय का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद